आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी यूपी बुंदेलखंड की ट्रेडिशनल रेसिपी हरे चने का निमोना। ये सब्जी बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जाती है और खाने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगती है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगे भी नई नई इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज का मजा आपको मिलता रहेगा। हरे चने का निमोना बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या पैन और फ्लेम को कर देंगे मीडियम। और अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें डाल देंगे चने। ये मैंने 1 कप हरे चने लिए हैं, इन्हें मैंने वॉश करके लिया है। अब चनों को हमें मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट भूनना है, जिससे चने थोड़े से पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। इसे इस तरह से भूनकर निमोना बनाने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से चलाते हुए इन्हें मीडियम फ्लेम पर हमें तब तक भूनना है जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। चने को इस तरह से भूनकर पीसने से इसका पेस्ट स्मूथ बनता है और स्वाद भी अच्छा आता है। अगर आप कच्चे चनों को पीसेंगे तो ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही रफ सा आएगा। अगर आपने इस तरह से निमोना नहीं बनाया है तो आप इसे मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए, बहुत ही बढ़िया बनता है। यहाँ चने हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं तो अब इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। चने ठंडे हो जाने के बाद लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे चनों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे ग्राइंड करेंगे। हमें इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड करना है। अगर आपको पीसने में दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे इस तरह का ग्राइंड करना है। अब वापस पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने देंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के आलू। इसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। निमोना में आलू ऑप्शनल है, अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो इसे न डालें, लेकिन आलू से ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये फ्राई होकर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। आलू को इस तरह से फ्राई करके डालने से निमोना का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। आप जब भी निमोना में आलू डालें तो इन्हें इस तरह से फ्राई करके ही डालें। अब आप देख सकते हैं कि आलू जो है 50% से ज़्यादा पक गया है और इसकी ऊपरी परत ब्राउन सी दिखने लगी है, तो अब इन्हें निकाल लेंगे। तो पहले हमने चने का पेस्ट बना लिया है, फिर आलू को फ्राई करके रख लिया है। अब हम बनाएंगे करी। तो इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता। जीरा हमारा बढ़िया से चटक गया है तो इस स्टेज पर इसमें जाएंगी 10-12 लहसुन की कलियाँ। इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। अब लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। और लहसुन के हल्के भुन जाने पर इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। और अब हमें प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनना है। प्याज हल्का सा भुन गया है तो अब इसमें जाएगी 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब अदरक को भी थोड़ी देर प्याज के साथ ही भून लेंगे। अब सारी चीज़ें भुन गई हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। अब टमाटर को भी प्याज के साथ ही पकाएंगे। इसे करीब 7-8 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये हल्का ऑयल ना छोड़ने लगे। अब टमाटर पक गए हैं और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है, यानी हमारे प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि निमोना का कलर ग्रीन अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। इसी के साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। हमने इसमें हरी मिर्च डाली है तो मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करें तो अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं।
सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी साथ ही कुछ देर भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है तो इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने जो हमने अभी ग्राइंड किए थे। पहले इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें पानी डालकर इसकी करी बनाएंगे। तो पहले मैंने जार में थोड़ा सा पानी डालकर ले लिया है जिससे जार में जो चने का पेस्ट चिपका हुआ था वो भी यूज़ हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी। इसमें हमने टोटल 1.5 कप पानी डाला है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही इसमें डाल देंगे आलू जो हमने अभी फ्राई करके रखे थे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे कवर करके 5-6 मिनट तक पकने देंगे। 5-6 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अभी आलू थोड़े से टाइट हैं तो फिर से हम इसे ढक देंगे और 3-4 मिनट और पकने देंगे जिससे आलू अच्छे से पक जाएं। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए, इससे ज़्यादा पतला आपको इसे नहीं करना है तो गैस को कर देंगे ऑफ और इसे सर्व करने से पहले आप इसके तेज पत्ता को निकाल दें। बहुत ही बढ़िया निमोना बनकर तैयार हुआ है, अब इसे सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी हमारा हरे चने का निमोना बनकर तैयार है। आप इसे इस तरह से बनाकर रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।